Shrimeshyam Kalpandhyan Sadhana में आप सभी साथियों का स्वागत है, सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हूँ और वीडियो को ऑन कर लें। आज की साधना के लिए वीडियो को ऑन कर लें और सहज होकर किसी भी आसन में बैठें। सहज होकर किसी भी आसन में बैठें। सावन का महीना, आज पहला सोमवार, आज शिव तत्व ध्यान करेंगे, शिव की साधना। शिव साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। सहज होकर बैठे हैं किसी भी आसन में। आंखों को कोमलता से बंद करें और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। विश्वास सामान्य चल रहा है, उस श्वास का एहसास करें। जो श्वास सामान्य चल रहा है उस श्वास का एहसास करें। उस श्वास को महसूस करें। जो श्वास सामान्य चल रहा है उस श्वास को महसूस करें। और सहज होते जाएं। दो गहरे सामान्य श्वासों के साथ सहज हो जाएं। सहज हो जाएं। और ओम से शुरुआत करेंगे। गहरा ओम। ओम को करते जाएं हर सांस के साथ। हर सांस के साथ ओम को महसूस करें। गहरे सांसों में गुंजन। ओम की अनुभूति। उस ओम में डूबते जाएं। इस ओम में डूबते जाना है। चेतना में ओम के साथ नमः
जाना है। साथ प्रतिष्ठान चक्र की जागृति करनी है और बम 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 का उच्चारण शिव की जागृति के लिए, शिव की साधना के लिए, शिव को प्रकट करने के लिए बम बम का उच्चारण तो सभी बम 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 करते हुए सुधिष्ठान चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। अपनी चेतना शक्ति को सुधिष्ठान चक्र पर ले जाएं। नाभि चक्र से चार अंगुल नीचे सुधिष्ठान चक्र पर बम बम का उच्चारण पूरी शक्ति के साथ करें और महसूस करें कि शिव की ऊर्जा इस बम बम के उच्चारण से आपके अंदर प्रकट हो रही है। इस बम बम की ऊर्जा को महसूस करना है, जागृत करना है अपने अंदर। कोई बम बम की ऊर्जा को प्रकट करना है, लगातार बम बम की ऊर्जा को महसूस करें। और जो शरीर में एनर्जी की लहर आ रही है, जो एनर्जी की जागृति हो रही है, उसको बढ़ने दें। हर बम बम के स्टॉक से एक अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव आपके पूरे शरीर में दौड़ने लगेगा और आप शिव की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। शिव तत्व की जागृति होगी। लगातार बम 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 करते जाएं और महसूस करते जाएं उस एनर्जी को। उस ऊर्जा को जो जागृत हो रही है आपके शरीर के रोम रोम में, इस ऊर्जा से कंपन, झंझनाहट, सरसराहट, सर्दी का एहसास, गर्मी का एहसास या और जो कोई भी एहसास आपको हो रहे हो उसको करते जाना है। हर एहसास को आप करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है और कोई चेतना शक्ति आज्ञा चक्र में लगाकर रखनी है। पूरी चेतना शक्ति आज्ञा चक्र में लगा दें और अनंत गहराइयों में डूबते जाए। बम बम का उच्चारण बंद कर दें।
पारा क्या चक्र में देखें, पूरी चेतना शक्ति से यहाँ तिलक लगाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है, उस बिंदु पर देखें और पूरे भाव से देखना है। हम शिव के दर्शन को आगे बढ़ रहे हैं, शिव तत्व को जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो शिव से प्रार्थना भी करनी है कि हे शिव, हे भोलेनाथ, हे शंकर, हम आपके दर्शन के लिए उत्साहित हैं, आप हम पर कृपा करें, अपनी रुझा का हमें दर्शन कराएं, हमें अपनी एनर्जी का एहसास कराएं, पूरे भाव के साथ प्रार्थना करनी है, पूरे गहरे भाव के साथ। और इस भाव के साथ तिहाई में डूबते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, जो कुछ आगे चक्र में दिख रहा है उसको देखते जाएं, जो भी अंधेरा या प्रकाश या कोई रंग आपको दिखाई दे रहा है उसी को ध्यान से देखना है। और उसी में आगे बढ़ते जाना है, जैसे कुछ ढूंढ रहे हैं, जिसे कुछ देख रहे हैं, ऐसे उसमें डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है, और महसूस करना है उस अनंत प्रकाश को जो आपके अंदर प्रकट हो रहा है, उस प्रकाश में आगे बढ़ना है, लगातार आगे बढ़ते जाना है, अनंत के आयु में डूबते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, अनंत के आयु में डूबते जाएं, अनंत ऊर्जा का एहसास, ओ
लगातार प्रकाश में आगे बढ़ते जाएं। गहराई में उतरते जाएं। और कल्पना करें कि आप उस शिव के मंदिर में जा रहे हैं जिसमें अक्सर आप जाया करते हैं। अपनी चेतना शक्ति से उस मंदिर में जाने की तैयारी ओम के उच्चारण के साथ मंदिर में जाने की तैयारी इस अनंत प्रकाश में आपको आगे चलते जाना है उस की ओर। पहले उस मंदिर में जाना है जहाँ आप अक्सर जाया करते हैं। हर उस रास्ते को देखते हुए अपने घर से निकलें जिस तरह से आप मंदिर तक पहुँचते हैं। और मंदिर के द्वार पर आप पहुंच गए हैं। एक लंबी लाइन लगी हुई है उस मंदिर में दर्शन करने वालों की। आपको उस मंदिर में प्रवेश करना है। मुख्य मंदिर में जहाँ शिव की मूर्ति है या शिव की पिंडी है उस मंदिर में उस पिंडी के पास बैठना है। आंख बंद करके उस पिंडी को देखना है, उस शिवलिंग को देखना है। आंख बंद करके उस मंदिर में बैठकर और वहीं सामने बड़े बड़े पहाड़ सफेद बर्फ से ढके हुए उन पहाड़ों के दर्शन हिमालय के दर्शन बंद आंखों में जैसे ही आप उस शिवलिंग को देखेंगे आप हिमालय तक पहुंच जाएंगे। आपकी चेतना हिमालय पर पहुंच जाएगी। हिमालय पर जहाँ शिव का वास है चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। उस बर्फ की शीतलता को महसूस करें। उस बर्फ की ठंडक को महसूस करें। और वहां
शिव को ढूंढना है, देखें उस बाप के पहाड़ों पर सामने से प्रकाश आ रहा है। उस प्रकाश की ओर आपको जाना है जिधर से वो प्रकाश आपकी ओर आ रहा है। उस प्रकाश की ओर आगे बढ़ते जाना है। उस प्रकाश की ओर आगे बढ़ते जाना है जिधर से वो प्रकाश आपकी ओर आ रहा है। और देखें वो प्रकाश तीव्र होता जा रहा है, जैसे जैसे आप प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं वो प्रकाश तेज होता जा रहा है। एक अनंत सफेद प्रकाश, अनंत बर्फ की शीतलता, वायु की शीतलता, आपके अंदर शीतल ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर आगे बढ़ते जाएं और सामने एक शिला पर शिव अपने परिवार के साथ बैठे हैं। ये प्रकाश उनके हृदय से निकल रहा है। आपको स्थान तक जाना है जहाँ शिव बैठे हुए हैं। लगातार प्रकाश में आगे बढ़ते जाएं और शिव तक पहुंचे। और शिव के पास आप पहुंच चुके हैं। चारों अनंत प्रकाश छाया हुआ है। साक्षात शिव बैठे हुए हैं। देवी पार्वती भी बैठी हुई हैं। गणेश जी भी बैठे हैं। कार्तिकेय जी भी खड़े हैं। और एक साइड में नंदी भी हैं। सब के दर्शन करें, सब का एहसास करें, सहज होकर आप यहाँ बैठ जाएं। इस ऊर्जा को महसूस करते रहें, शिव की शक्ति को देखें, शिव के स्वरूप को देखें। और जो भी पूजा करनी है, जिसको जो भी धूप बत्ती अगरबत्ती जलानी है वो जलाएं। जो भी पुष्प पत्र समर्पित करने हैं वो करें। जो भी पूजा करनी है साक्षात शिव की पूजा करें। जिसके मन में जो जो भाव हो वो सब अर्पण कर दें। और शिव के हृदय में अनंत प्रकाश बढ़ता जा रहा है। चारों ओर अनंत प्रकाश फैलता जा रहा है। ओम
जिस चीज को जो भी पूजा करनी है, जो जो भी अर्पण करना है वो यहाँ करें। धूप बत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, बेलपत्र भी चढ़ाएं, सब कुछ शिव के चरणों में चढ़ाना है, पुष्प भी चढ़ाएं। जो भी मिष्ठान मिठाई वगैरह चढ़ानी है वो भी उन्हें अर्पण करें। मिठाई उनको हाथ में दें और उनसे कहें कि इस मिष्ठान को स्वीकार करें और देखें आपके मिष्ठान को उन्होंने स्वीकार किया, उस मिठाई को उन्होंने ग्रहण किया। जो जल या दूध आप चढ़ाने के लिए लेकर गए हैं वो भी उनके हाथों में दें। उसको भी वो पी कर प्रसाद होंगे, अपना जल अपना दूध जो भी आप लेके गए हैं शिव के हाथों में पीने के लिए दें और कहें कि हमारा ये जल स्वीकार करें। हमारा ये जल स्वीकार करें और देखें कि वो शिव आपका जल आपका दूध पी रहे हैं। अद्भुत अनुभव, अद्भुत दर्शन। अद्भुत अनुभूतियां। महसूस करें जो शिव के पास बैठकर आपको आनंद मिल रहा है, शिव को जो कुछ भी आपने अर्पण किया है शिव ने सब कुछ ग्रहण किया है और जो कोई प्रसाद आपके पास है बाकी सबको भी दें। जो जो वहां है, गणेश जी, कार्तिक जी, माँ पार्वती, नंदी, सबको प्रसाद दें। जो भी आप लेकर गए हैं एक एक करके सबको प्रसाद देना है। और देखें आपके प्रसाद को सब ग्रहण कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। सबका एहसास करें। ओम नमः शिवाय। एक एक करके सबसे आशीर्वाद दीजिए। ओम नमः शिवाय। बड़े जी से आशीर्वाद लें। महसूस करें कि गणेश जी आपके सर पर हाथ रख रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ओम
Shivaya 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 Nandi Shivaya Shivaya Om Namah Shivaya Devi Parvati Shivaya Shivaya Om Namah Shivaya अंत में नमः शिवाय शिव से आशीर्वाद दें और प्रार्थना करें नमः शिवाय कि हे शिव हे भोलेनाथ शिवाय हे शंकर आप मेरे हृदय में समाहित हो जाए और मेरे हृदय में आपकी ज्योति सदा प्रकाशित रहे आपकी ज्योति सदा प्रकाशित रहे और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय तक आप लगें और देखें ओम नमः शिवाय ये समा शक्तियां उस दिन में समा गई मेरी शक्तियां या विद्यमान थी सब उस शिव में समाहित हो गई और शिव प्रकाश के रूप में ज्योति के रूप में हरे शोक एक ज्योति के रूप में एक ज्योति में समाहित और ज्योति शिवाय आपके हृदय में समाहित शिवाय और शिव की शक्ति आपके हृदय में समाहित होती हुई नमः शिवाय वो काम शक्ति आपके हृदय में समाहित होती हुई नमः शिवाय शिव की शक्ति शिव की ऊर्जा आपके हृदय में समाहित होती है और आपका शरीर अनंत काशिक मनाने लगा है आपके शरीर के अंदर आपके शरीर के बाहर चारों काशिक काश हो गया है शिवाय ओम नमः शिवाय इस अनंत की शक्ति को महसूस करें ओम नमः शिवाय अद्भुतम शक्ति ओम नमः शिवाय आपके अंदर समाहित होती है आपके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है नमः शिवाय आपके हृदय में वो शिव बैठ चुके हैं नमः शिवाय शिव की मूर्त को अपने हृदय में देखें नमः शिवाय गलों में सर्पों की माला घटाओ से बहती हुई गंगा की धारा ओम नमः शिवाय और चंद्र मुकुर ओम नमः शिवाय नीला स्वरूप
Shivaya. Om Namah Shivaya. बात जानता बैठे हुए शिवाय, एक हाथ में त्रिशूल एक में डमरू, नमः शिवाय, अपने हृदय में छवि को महसूस करें, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं, ओम नमः शिवाय, और इस शिव की शक्ति को अपने हृदय में महसूस करते जाएं, शिवाय, अपने हृदय में महसूस करते जाएं, ओम नमः शिवाय, आपके हृदय में शिव की मूल शक्ति है, उस मूल को महसूस करते जाएं, अद्भुत शिव की मूल शिवाय, आपके हृदय में जागृत मुक्ति है, आपके अंदर जो आनंद का भाव प्रकट होता है, नमः शिवाय, जो प्रेम का भाव प्रकट हो रहा है, नमः शिवाय, उसको कुछ देर यूं ही महसूस करते रहें, शिवाय, कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी है, ओम नमः शिवाय, कोई शक्ति शक्ति का शक्ति ऊर्जा का ओम नमः शिवाय करते हुए एक गहरे आनंद का, ओम नमः शिवाय, एक गहरे उत्सव का, गहरी शांति का अनुभव करते रहना है, ओम नमः शिवाय, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, ओम नमः शिवाय, शरीर को हिलाना नहीं है, ओम नमः शिवाय करते रहना है, प्रत्येक एहसास को ओम नमः शिवाय, 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 जो भी अनुभूतियां हो रही हैं, ओम नमः शिवाय, शिव के दर्शन से, शिव की पूजा से, ओम नमः शिवाय, अनुभूति को महसूस करते हुए, ओम नमः शिवाय, धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार, धीरे धीरे चेतना वापस आने के लिए तैयार,
अपने शरीर का एहसास करें, अपने शरीर का अनुभव करें और चलती हुई सांसों को महसूस करें। दो गहरे लंबे सांस भरें, दो गहरे लंबे सांस और हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, पूरे शरीर पर लगाएं, और हाथों की अंजलि बना लें। हाथों की अंजलि को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें, धीरे धीरे आंखें खोलें। ॐ नमः शिवाय। सभी चेतना में वापस आ जाएं।